ये 2000 का नोट जब अभी वापस लिया गया कि अब सितंबर के बाद ये नहीं चलेगा, तो जरा चेहरे याद करिए कौन कौन लोग तिलमिला विलमिला रहे थे। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों है अभी इसका कुछ डिटेल बताऊंगा। मैं खुद चौंक गया, मेरी परसों एक बैंक अधिकारी, मेरे बचपने के मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनके यहाँ मैं परसों शाम को बैठा था, बात चल गई, तो उन्होंने जो बताया तो मैं चौंका। तब मेरा ध्यान गया कि अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बताता हूँ आपको कि वो ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक थी जो 2000 के नोट वापस लिए गए हैं। तो मनीष जी, ये तो पहले लिए गए होगा, दर्शक ये जान लें, ये अचानक नहीं लिया गया ये वो फैसला। फरवरी 2003 में जयपुर में एक छापा पड़ा, 300 करोड़ की अवैध संपत्ति बरामद हुई। अगस्त 2022 में गुजरात में 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई थी। फरवरी 2003 अगस्त 2022 में गुजरात में 1000 करोड़ था, और 27 फरवरी को यूफ्लेक्स ग्रुप में, यहाँ नोएडा का था, उसमें 1500 करोड़ का कैश लेन देन पकड़ा गया था। यानी एक तांता लगा हुआ था, एनआईए की छापेमारी चल रही थी, और उसके बाद सरकार का निष्कर्ष इस पे पहुंचा कि ये छापेमारी से काम चल नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जहां सूचना मिलती है वहां कार्रवाई हो पाती है, बाकी जो चुपचाप बैठे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए। तो मनीष जी, वो 2 करोड़ 2000 रुपए के नोट वापस करने का 6 महीने का समय दिया गया। सरकार इन छापेमारियों के बाद सरकार बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि अब आम आदमी के पास ये नोट नहीं है, इक्का नहीं दुक्का, आए। दो चार पांच हो तो हो, ये अब उन्हीं लोगों के पास है जिनका नंबर दो कमाल है। मनीष जी, 19 मई को ये 2000 नोट को 2000 का नोट वापस लेने की घोषणा हुई, और आज आज लखनऊ में, कानपुर में पिछले 4-5 दिन से एक छापा पड़ रहा है, उसमें कल तक की खबर थी कि 1500 करोड़ का फर्जी फर्जी बिल पकड़े गए, जो नंबर नंबर दो का पैसा नंबर एक किया गया था। 1500 करोड़, जरा सोचिए, सुनार की दुकान पे, और उसमें जब पकड़ा गया तो कोई ड्राइवर के नाम से, कोई नौकर के नाम से, कोई सफाई कर्मचारी के नाम से, इनके नाम से बिल काटे गए थे 50-50, 100-100 करोड़ के। और आज आज जो लेटेस्ट छापे में बरामदगी हुई, वो करीब 250 करोड़ क्या फर्जी लेन देन और पकड़ा गया है। ये केवल कानपुर शहर में 2000 करोड़ का, समझिए, मामला है। इसके अलावा आज ही मनीष जी, कश्मीर के 7 जिलों में 15 अड्डों पे एनआईए ने छापेमारी की है टेरर फंडिंग को लेके। तो ये मैंने पृष्ठभूमि आपको बताई कि ये लागू क्यों किया गया था और ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों है, क्योंकि उसकी चर्चा कोई कहीं हो नहीं रही है कि तो वो बैंक अधिकारी मित्र से जब मेरी बात होने लगी, कहने लगे, कहने जब ये वापसी का हुआ था तो कहें एक एक आदमी 20-20 फॉर्म लेके आ रहा था, क्योंकि एक आदमी 4 नोट वापस कर सकता है। तो क्या, खैर हमारे यहाँ बैंक में लोगों ने लेने से मना कर दिया कि अकेले हो तो एक फॉर्म लेके आओगे, एक आदमी 20 फॉर्म नहीं से वापस नहीं करवा सकता। तो वो बात ऐसे चली कि उन्होंने कहा कि मेरे पास एक उनको पास एक ऑफर आया था कि 20 करोड़ रुपया बदलवा दो, और कमीशन जो बताया गया था, तो क्या भगा दिया उसको अपने। तो हमने कहा क्या वजह, क्या ये तो चलो ठीक है ये फॉर्म वाला। तो मनीष जी, जो बड़ी पकड़ है, कहें जो नोट वापस हो रहे हैं, कहें वो कंप्यूटर पे चढ़ रहे हैं कि ये फलाने चढ़ रहे हैं, और कहें मेरे बचपन के मित्र, कहें सतीश कि हर बैंक में सीसीटीवी लगा है कि, तो कहें उसमें पता चल जाता है कि दिन में कितनी भीड़ आई। कहें बैंक में आदमी दिख रहा है 50, और हम फर्जी आदमी दिखा के 500 आदमी के नाम से नोट जमा कर लें, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना कि सीसीटीवी तो 85 आदमी दिखा रहा है बैंक में, और ये 500 आदमी ने जमा कहाँ से कर दिए। तो खैर उन्होंने बताया कि ये जो सख्ती हो रही है, कहे इसकी वजह, कहे तुम लोग को लग रहा है कि बड़ा आसान है, कहे मारे मारे घूम रहे हैं जिनका नंबर दो का पैसा है, कहे जबकि कोई वो कहे अगर आप जाके अपने अकाउंट में जमा कर दीजिए कोई परेशानी नहीं, कहे तुम 2 करोड़ रुपए लाओ तुम्हारा अकाउंट में जमा कर देंगे। जो पैसा नोट बदले जा रहे हैं, एक दिन में केवल एक आदमी से 4 नोट बदले जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन मनीष जी बोले, क्या देखो 4 नोट अगर बदले, रोज आके बदलवाओगे अगर, तो 1 महीने में 2.5 लाख रुपया हो गया, 8-8 हजार रुपए रोज, 1 महीने में 2.5 करोड़ रुपए हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए हो जाएगा, 8 तिहाई 24 कह। और अगर सितंबर तक यही काम करते रहोगे तो कितना पैसा वापस कर पाओगे, 20-25 लाख 30 लाख रुपए। तो कह, और उसके बाद जवाब देना पड़ेगा कि रोज रोज 8 हजार रुपए कहां से जमा कर रहे थे,
तो ये इतना आसान नहीं है, बहुत धंधे में फंस गए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में अब वो बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, जिसका अभी उसके बाद इन जो जमा कर रहे हैं उनको अभी इनकम टैक्स का जवाब देना पड़ेगा। और आपको ताजुब होगा कि 19 मई को हुआ है और जितना करेंसी का 2000 का नोट था वो करीब करीब 2/3 नोट वापस आ गया। आज ही की खबर थी ये कि 2/3 नोट आके वापस बैंकों में जमा हो गया। तो दर्शक ये समझे कि इस सर्जिकल स्ट्राइक का एक तो ये फायदा है कि वो जिनका डूबा है, वो मैंने अभी आपको अपने बैंक अधिकारी मित्र के जरिए बताया कि 10-10, 20-20 करोड़ रुपए वापस कराने के लिए वो कमीशन का ऑफर करते घूम रहे हैं लोग, बैंक कर्मचारियों को। और दूसरे इसका लाभ यह है कि वो जो पैसा कहीं दबा हुआ था अलमारियों में तिजोरियों में, वो पैसा आपके मेन स्ट्रीम में आ गया, बैंकों के पास आ गया। तो ये इस सर्जिकल स्ट्राइक की कहीं चर्चा ही नहीं हो रही। और इस वो जब उनसे बातचीत हुई, पूरा बहुत लंबी बात हुई, तब ये समझ में आया कि ये जैसे ही हुआ था ये क्यों तिल मिलाने लगे थे। याद करिए कैसे कैसे लोग नेता और खैराती कि ये तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी की दो डबल सर्जिकल स्ट्राइक, जो एक तो मैंने बताया राशन कार्ड, और अभी तो पश्चिम बंगाल का सच सामने आया है। अभी जरा इसका फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए, आपको हर राज्य में इस तरह के खुराफाती मिलेंगे, क्योंकि वो तो सब ये सब चीजें तब है सर जब नोटबंदी के लिए जब 2000 के हुए तो कई सारे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि कोई रूल नहीं है, जो मर्जी वो जमा कर लेगा। मतलब लोगों ने, मैं खुद, मेरे भी कई साथी बैंक अधिकारी हैं, मैं खुद जिस बैंक से मेरा खाता है वहां बैठना उठना होता है, तो मैंने जानकारी लेने की कोशिश की कि 2000 के नोट के लिए क्या क्या कोई रूल नहीं है। उन्होंने बताया पूरा रिकॉर्ड होता है हमारे पास कि कौन आदमी कितना जमा किया, ये सब रिकॉर्ड है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना खाता वाला आएगा, रामलाल श्यामलाल आएगा और किसी के अकाउंट में आके जमा कर देगा? तो जितना हवा क्रिएट किया गया खलियर खैरातियों के द्वारा कि 2000 के नोट भ्रष्ट लोगों से जमा किए जा रहे हैं, सरकार की पैनी नजर है उन सब पे। और निश्चित रूप से अब की बार तो ये पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग खोमचे में दिए जाएंगे।